लोकपाल की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तल्खीस जाहिर की है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा कि वह 10 दिन के भीतर देश में लोकपाल की नियुक्ति की समय सीमा तय कर उसे सूचित करें। ओडिशा में 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने दावा किया है कि आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सफाया करेगी। देश में बुलेट ट्रेन को लेकर सरकार की कवायदें तेज हैं। इस दिशा में लगातार काम भी हो रहा है। देश के मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी इस मामले में बयान दिया है। श्रीधरन का मानना है कि देश को बुलेट ट्रेन की बजाय ज्यादा तेज और सुरक्षित रेल नेटवर्क की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल व्यवस्था विकसित देशों की तुलना में करीब 20 साल पीछे है। सीबीआई ने इंटरपोल से नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने मान लिया है। इस नोटिस में सभी सदस्य देशों से भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तुरंत हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का अनुरोध किया गया है। शिवसेना ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना से सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी के फैसलों की तुलना कांग्रेस से की है। उन्होंने कहा कि जैसा कांग्रेस का आपातकाल था, वैसा ही मोदी सरकार के नोटबंदी का फैसला है। दोनों फैसले देश के लिए कालादिन के समान है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने योग गुरु बाबा रामदेव के एक बयान पर नाराजगी जाहिर की है। अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने बकायदा एक पत्र बाबा रामदेव को लिखा है। दरअसल बाबा रामदेव ने गंगा की सफाई पर असंतोष जाहिर करते हुए उमा भारती और मंत्री नितिन गडकरी की तुलना की थी। दिल्ली के बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 सदस्यों के संदिग्ध हालत में शव मिलने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परिवार के घर की दीवार पर 11 पाइप बाहर निकले हुए हैं। जो बात चौंकाने वाली है वो ये है कि इन पाइपों में से 7 नीचे की तरफ उड़े हुए हैं, जबकि 4 के मुंह सीधे हैं। दिल्ली पुलिस इसकी संभावना को देखते हुए तांत्रिकों और पंडितों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। एनजीटी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 16,500 पेड़ काटने के मामले में रोक लगा दी है। सोमवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाईकोर्ट के पेड़ कटाई के रोक वाले फैसले को बरकरार रखा है। इस पूरे मामले में एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एनडीएमसी, एसडीएमसी, डीडीए और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को नोटिस जारी किया है। बगदादी इलाके में चुनाव प्रचार के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो के काफिले पर हमला हुआ है। इस हमले में 4 से ज्यादा लोग गंभीर हुए हैं और कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। ट्रेडिंग के आखिरी घंटे में खरीदारी लौटने से मार्केट में निचले स्तरों से सुधार हुआ। इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक में तेजी से मार्केट को सपोर्ट मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 159 अंक टूटकर 35,264 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंक टूटकर 10,657 के स्तर पर बंद हुआ।